हमारे तरफ से हमारी तो 300 मैक्स लेवल दौड़ा दूंगा मैं, अमेरिकन तभी करा होगा तुम हमारे तरफ से। और घर से यदि वैसे दिखेगा तो हम क्या जाएगा, मैं भी भाग जाऊँगा आराम से, क्योंकि दो ऑप्शन है, यदि पढ़ाने के बाद यदि ज़्यादा मेडिकल कराने के बाद भी वही है और कम मेडिकल कराने के बाद भी वही है, बेटर कौन सा है? आई मीन कम मेहनत करके फेल हो रहे हैं और ज़्यादा मेहनत करके फेल हो रहे हैं तो बेटर क्या है? क्या वैसे मैं भी सही बोल रहा हूँ ना, गलत बोल रहा हूँ? सही बोल रहा हूँ, पढ़ करके भी फेल हो जाए और नहीं पढ़ करके फेल हो तो बेटर कौन सा है? जिसने मस्ती किया नहीं पढ़ा, अभी भी तुम लोग थोड़ा सिंसियरनेस नहीं, थोड़ा कि पता है कि थोड़ा ये वर्क पावर एनर्जी सर्कुलर मोशन ऐसा चैप्टर है, वर्क पावर एनर्जी इसका पूरे फिजिक्स में मैंने बोला है, पूरे फिजिक्स कौन ऐसा जगह है जहाँ इसका यूज नहीं। लेकिन तो सारी का लेकिन साउंड चैप्टर भी पढ़ोगे तो मालूम चलेगा आपकी एनर्जी की फॉर्म और ज़्यादा कम होना पड़ेगा। चलो देखो जाने दे, तो तुम्हारा काम है पढ़ना, नहीं पढ़ोगे तो तुम आईआईटी में जाओगे तो समझे क्या होगा। ठीक है, मैंने एक कोर्स ऐसे बताया था, एक कोर्स कैंप लग रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट है, स्पेरिकल ऑब्जेक्ट है, ठीक है। दूसरा चलो अलग अलग मैं डायग्राम ड्रॉप कर देता हूँ, एक जनरल कोर्स था और तीसरा एक क्वेश्चन क्या था एसपीएच है और ऐसे कुछ प्रश्न, तीनों सीक्वेंस यही था ना, इसमें तीनों बताना था कि इंपल्सिव कौन सा, किस केस में टेंशन जो होगा इंपल्सिव होगा और किस केस में टेंशन जो होगा वो क्या होगा नॉन इंपल्सिव। तुम लोग को ये मत दिया था और बोला था कि सोच लेना, तो कैसे सोचेंगे कि इसमें टेंशन इंपल्सिव होगा और इसमें नहीं होगा? इसमें टेंशन इंपल्सिव हो सकता है क्या, बताओ क्यों? क्यों सारा से एक्सप्लेन कर दूंगा। हाँ, स्क्रीन क्या हो जाएगा, बैठ जाओ। यहाँ ऐप के दो कंपोनेंट होंगे, एक ओरिजेंटल वाले क्या होगा वर्टिकल, तो यहाँ कुछ नहीं हो सकता, समझ में आया? यहाँ तुम देखो इसके अलावा कुछ टेंशन के अलावा कुछ कंपोनेंट होगा ऐप का, क्या नहीं होगा ना? तो यहाँ भी सिचुएशन नहीं हो सकता, यहाँ भी टेंशन नहीं हो सकता, यहाँ हो सकता है। दो कंपोनेंट होगा, एक ओरिजेंटल वाले क्या है, सडनली यदि तो तुम अप्लाई कर रहे हो तो इसमें टेंशन डेवलप होगा और एक यहाँ जो टेंशन जो होगा वो क्या होगा इंपल्सिव नेचर का होगा, समझ में आया? एक सुबह देखो जल्दी लिखो, अरे डेली 10 न्यूमेरिकल तो डेली करो, अच्छी बात है। मैं डीएम सभा मानता हूँ बहुत ही अच्छे दिया हुआ है, एक बार उनको इंपल्स देखना जाकर के पढ़ना, आप न्यूमेरिकल बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं, लेकिन जल्दी लिखो तुम लोग। समझ में आया क्या? अभी क्वेश्चन दिया है, तुम बताओगे इसको सॉल्व करके, मुझे भी नहीं आता है और एक यही क्वेश्चन आ रहा है, ऐसे कुछ नहीं आता, सही था ना? ये टोटल लेंथ कितना कंसीडर किया है? 28 एल, इसको ये टोटल लेंथ है और ये कितना माना था मैंने, देखो कंसीडर एल बाय, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है, कोई इसका मास क्या है, इसे मान लो कि हमने क्या किया है, इसको पकड़ करके रखा, ठीक है। अब हमने क्या किया, छोड़ दिया। तो आपसे पूछा गया है कि फाइंड द इंपल्स ऑफ टेंशन फोर्स, तो कितना होगा बताओ, इंपल्स ऑफ टेंशन फोर्स कितना? इंपल्स का मैंने दो फॉर्मूला बताया था, क्या क्या बताया था बताओ, एक तो दूसरा क्या बताया था, बताया था ना, ठीक है। तो तुम बताओ क्या हो, चेंज लीनियर मोमेंटम यही होगा ना यार,
सोच करके बताओ। आपको ठीक है कुछ, अपने को टेंशन क्या है, डीवीटी क्या है तो कुछ मालूम नहीं है, तो हम वेलोसिटी से ही सोच सकते हैं, मोमेंटम लिखो पहले, जस्ट लिखो। देखो तो एक ये सिचुएशन ऐसा दिया हुआ है, अभी जब स्ट्रीम क्या हुआ चाहिए होगा तो लॉग क्या होगा ऐसे ही आ जाता है, ठीक है समझ में आया। इस सिचुएशन में इसके क्या हुआ, जैसे ही स्ट्रीम टाइट होगा तो टेंशन बढ़ जाएगा, डरेगा ना, कोई डाउट नहीं है ना, और इसका मास क्या होगा एम होगा, और आपको इसके अलावा कुछ वेलोसिटी होगा, वेलोसिटी होगा क्या कि नहीं होगा, जस्ट बिफोर टाइट, टाइट होने के बाद इसके लॉग वेलोसिटी क्या हो जाएगा बताओ तुम लोग। अरे इसकी अलॉन्ग वेलोसिटी क्या हो जाएगा, इसके यही सोच कर बताना है, यहाँ टेंशन इंपल्सिव होगा ना, कोई डाउट नहीं है ना, और वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करोगे आप, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आता है ना, या काइनेमेटिक्स इक्वेशन आता है, काइनेमेटिक्स इक्वेशन आता है ना तुम लोगों को, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर टू s, तो तुम यहां से देखो ना कि ये l / 5 है, ये नीचे कितना रहता है, क्या ये नहीं कैलकुलेट कर सकते हो क्या? अरे जस्ट आफ्टर जैसे ही स्ट्रीम टाइट होगा तो इधर वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो होगा कि नहीं, जीरो हो जाएगा ना, समझ में आया क्या, इधर जीरो हो जाएगा, और जस्ट बिफोर टाइप के पहले वेलोसिटी क्या था, अंडर रूट ए जितना हमारा l a l / 5 का नीचे क्या हो जाएगा, 4 l / 5 होगा क्या, तो v इक्वल टू अंडर रूट 4 l / क्या हो जाएगा 5 g, यही होगा ना, मास दिया हुआ है तो लीनियर इनिशियल मोमेंटम मालूम चल गया, फाइनल मोमेंटम जीरो होगा, इंपल्स मोमेंटम थ्योरम लिख करके बताओ। कल बताया था ना कि फोर्स क्या हो, वेलोसिटी के डायरेक्शन में हो, अरे चलिए बता रहा था, तो देखो तो टी है फाइनल लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होगा, इनिशियल लीनियर मोमेंटम प्लस माइनस इंपल्स, ये लिखा था ना, प्लस मैंने कब बताया था कि जब क्या हो वेलोसिटी के डायरेक्शन में फोर्स लग रहा हो, माइनस कब बताया था यार कि वेलोसिटी क्या हो अपोजिट डायरेक्शन, यहां याद रखना है कि टेंशन देखो इधर लग रहा है, इसके परपेंडिकुलर जो होगा इंपल्स, टेंशन का इंपल्स लगेगा क्या, नहीं लगेगा ना, अरे टेंशन इधर लग रहा है, इसका कंपोनेंट इधर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ना, समझ में आया, तो टेंशन की केस में ये दूसरा थ्योरेटिकल लिमिट है, इसके परपेंडिकुलर जो होगा वो क्या हो जाएगा, इंपल्स जीरो हो जाएगा, टेंशन के अलोंग मीन स्ट्रिंग के अलोंग क्या होगा, इंपल्सिव फोर्स लगेगा, स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर जो होगा इंपल्सिव फोर्स या इंपल्स जो होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है, इसके परपेंडिकुलर जो भी कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो क्या होगा, अनचेंज हो जाएगा। देखो इसको ये बताओ तो मतलब यहां क्या लिखे, ये जीरो हो जाएगा, सही है, ये जीरो हो गया, और पी आई कितना हो जाएगा, चलो इसको हम कितना हो जाएगा बताओ, अभी हम लिखे हैं टेन एन ई टू भी कितना लिखे हैं, अरे टू टू जी इन टू फोर एल अपॉन क्या होगा फाइव, या माइनस लिखे हैं प्लस, अरे टेंशन किधर लग रहा है, वेलोसिटी किधर है, नीचे है, माइनस लिखेंगे ना यार, माइनस जी, अब यार स्केलर लिख देता हूँ, समझ में आ रहा, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, जी इज इक्वल टू क्या होगा, एम अंडर रूट कितना हो जाएगा, ए एल जी अपॉन क्या होगा, ठीक है, ये समझ में आया, वेलोसिटी मैंने डायरेक्ट लिखा नहीं, बस कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज कर लो, उससे वेलोसिटी आ जाएगा। अभी बीएन सर ने एक और क्वेश्चन दिया होगा, हाँ बोलिए, नहीं होगा, इंपल्सिव फोर्स ही नहीं लगेगा किसी डायरेक्शन में,
तो मोमेंटम उस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, कंजर्व रहेगा, अभी हम देखेंगे, ठीक है, ये नोट में लिख लेना। दूसरा एक प्रॉब्लम है, देखो यहाँ ध्यान से, अरे इंपल्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसके तीनों कंपोनेंट होंगे, j इक्वल टू j वेक्टर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, jx i कैप प्लस jy j कैप प्लस क्या होगा jz k कैप, तीनों कंपोनेंट। दूसरा तो देखो अभी यहां क्या है, एक स्ट्रिंग है ठीक है, और दूसरा ठीक है ऑब्जेक्ट x दिया हुआ है, उसको हम रिलीज करते हैं। दूसरा एग्जांपल देखो यहां, ये एक ऑब्जेक्ट क्या है जिसका मास क्या है, मान m मान लेते हैं, ठीक है, ये इसको m1 मान लेते हैं, बाद में दोनों को इक्वल कंसीडर कर सकते हैं। दूसरा स्ट्रिंग एक अदर ऑब्जेक्ट है जिसका मास क्या है, m2 है, इस ये वाला जो डिस्टेंस दिया हुआ है क्या दिया हुआ है, ठीक है, और ये ऐसे नहीं, ऐसे समझ लो, ऐसे कुछ इस स्ट्रिंग का जो लेंथ है वो क्या दिया हुआ है, टू दिया, ठीक है, समझ में आया क्या, अभी तो स्ट्रिंग लूज है ना, अब हमने क्या किया इसको हॉरिजॉन्टली लीनियर टेंडेंसी से क्या हुआ प्रोजेक्ट कर दिया, ऐसे हमने क्या किया इसको प्लेट दिया है, ठीक है, तो तुमको क्या फाइंड आउट करना है कि जस्ट स्ट्रिंग जब टाइट होगा उसके बाद दोनों का वेलोसिटी क्या होगा उसको कैलकुलेट करना, और इसको दो मेथड से हम सॉल्व करेंगे, एक तो इंपल्स लीनियर क्वांटम थ्योरम यूज करके और दूसरा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर क्वांटम। ये समझ में आया, देखो तो ये क्या होगा, इधर ही कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा, क्या होगा ये रिमूव कर रहा है, ये क्या होगा ऐसे ही सिचुएशन होगा, जैसे ही ये लेंथ होगा ये क्या हो जाएगा, टू एल हो जाएगा, समझ में आया क्या, तो ये स्ट्रिंग क्या हो जाएगा टाइट हो जाएगा, अरे टाइट हो जाएगा ना, और ये जो ऑब्जेक्ट है जस्ट बिफोर मैं बता रहा हूँ स्ट्रिंग अभी टाइट नहीं हुआ है उसके बाद इसका वेलोसिटी क्या होगा, इनर्टी रहेगा, अरे जस्ट ठीक है, कोई डाउट नहीं है ना इसमें। अब मैंने ये बताया देखो, अब ये जब स्ट्रिंग टाइट हो जाएगा तो इसमें टेंशन क्या हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा, और यहाँ जो टेंशन लगेगा वो किधर रहेगा, इधर रहेगा, और यहाँ जो टेंशन लगेगा वो किधर रहेगा, ठीक है। अब मैंने ये बताया था कि क्या होगा कि स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर इंपल्स लगेगा क्या, तुम बताओ, नहीं लगेगा ना, ठीक है, मुझे क्या क्वेश्चन समझ में आया ना, क्या कैलकुलेट करना है कि जब स्ट्रिंग टाइट हो जाएगा उस समय उनका वेलोसिटी क्या होगा, ठीक है, जस्ट आफ्टर स्ट्रिंग टाइट उनका वेलोसिटी क्या होगा, या ये पूछा जा सकता है कि टेंशन फोर्स का इंपल्स क्या होगा, दोनों क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फिर जस्ट बिफोर इसका वेलोसिटी है, ठीक है, तो कैसे इसको सोचें बताओ, इसका मास दिया हुआ है, इसका मास m1 है, इसका मास क्या है m2 है, सोचना सोच करके बताओ, पहले तो देखो ध्यान से ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, अरे पहले तो मुझे क्या करना, दो कंपोनेंट रिजॉल्व करना पड़ेगा ना, इसका मान लो इधर वेलोसिटी क्या हो जाएगा, इधर v1 क्या हमने मान लिया, मुझे मालूम नहीं है, मैंने मान लिया, ठीक है, इसका इसके अलावा वेलोसिटी क्या होगा, इसके स्ट्रिंग टाइट होने के बाद चलो ये तो यही हो गया कि हम दो लोग हैं, एक मेरे आगे दौड़ रहा है, मैं उसके पीछे दौड़ रहा हूँ, और स्ट्रिंग पकड़ करके मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ, तो और स्ट्रिंग टाइट होगा तो कंडीशन क्या होगा, हाँ बोलो, आगे वाले का ज्यादा होगा, सही है, सही है या गलत है,
क्या होगा?
अरे v1 मिल जाएगा क्या? दोनों को ऐड करो, v1 मिल जाएगा। दूसरा भी मेथड मैं बता रहा हूं, अरे समझ में आया क्या? मैंने इस पे इंपल्स लीनियर मोमेंटम थ्योरम अप्लाई किया, इस पे अप्लाई किया, दो इक्वेशन मिल गया, ठीक है। यहां से इंपल्स भी तुम कैलकुलेट कर सकते हो, इंपल्स कितना हो, दो आउट है ना, v1 और j, दोनों को सॉल्व करके बताना। और थीटा कितना है? 30 डिग्री है, तो थीटा का वैल्यू इसको आप बोल सकते हैं कि भी पैरेलल बोल सकते हैं, और ये वाला जो कंपोनेंट होगा इसको क्या बोलेंगे? भी परपेंडिकुलर। केवल इसमें याद रखना है कि स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर जो होगा लीनियर मोमेंटम चेंज नहीं होगा, इधर भी सिस्टम का चेंज नहीं होगा, लेकिन इंडिविजुअल पार्टिकल का क्या होगा? चेंज होगा। क्यों नहीं होगा? देखो तो इसके अलावा मैं बोलूं कि यहां मैं बोलूं कि लीनियर मोमेंटम क्या होगा? कंजर्व होगा। ये दोनों सिस्टम का मैं सही बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं? एक्सटर्नल फोर्स कोई लग रहा है क्या? नहीं लग रहा है ना? एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो सिस्टम का लीनियर मोमेंटम क्या होगा? कंजर्व होगा। इवन दो इंडिविजुअल पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम क्या होगा? चेंज होगा। इसे देखो, इसका चेंज हो रहा है ना, इसका भी चेंज हो रहा है, लेकिन दोनों को जब ऐड करोगे तो देखो तो टेंशन इधर लग रहा है, इधर टेंशन लग रहा है, टेंशन तो कैंसिल हो गया, और यहाँ टेंशन क्या हो जाएगा? इंटरनल फोर्स हो जाएगा। तो हम लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन यूज करके आसानी से सॉल्व कर सकते हैं दूसरे मेथड से। पहले भी कितना आया गिवन का वैल्यू? कितना आया देखो, यहाँ से मिल गया कितना? गिवन इज इक्वल टू, डायरेक्ट लिख सकते हैं m2 gainer cos थीटा ऑफ क्या हो जाएगा? m1 plus m3 यही आएगा क्या? यही आएगा ना। अब j भी मालूम चल गया, ठीक है। ये हमने इंपल्स लीनियर मोमेंटम थ्योरम यूज किया, v परपेंडिकुलर कितना होगा? ये पैरेलल इसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। इसको हम ऐसे ही लेंगे, v पैरेलल इज इक्वल टू क्या होगा? m m2 gainer cos थीटा अपॉन क्या होगा? m1 plus m3। v परपेंडिकुलर क्या होगा इसका? इसका तो जीरो ही होगा, समझ में आया? क्यों? क्योंकि इधर क्या है? कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो जितना पहले था इंडिविजुअल पार्टिकल का उतना ही क्या होगा? उसका लीनियर मोमेंटम रहेगा या वेलोसिटी रहेगा, चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ देखो, यहाँ भी परपेंडिकुलर मैं पूछू कितना होगा वेलोसिटी, बताओ इसका? जस्ट आफ्टर कोलिजन, जस्ट आफ्टर स्ट्रिंग टेंशन। अरे यही रहेगा क्या? तो हम डायरेक्ट लिख देंगे बीनर साइन, आप कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम यूज करो। यहां से इंपल्स भी तुम कैलकुलेट कर सकते हो, इंपल्स बताना कितना आएगा? लिखो क्या? लिखो इंपल्स लीनियर मोमेंटम, एक सॉरी इंपल्स नहीं, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कैसे यूज करके लिखिए तो लो, इसको लिखो या नोट में दो पॉइंट लिखना। यहाँ एक और क्वेश्चन बन जाएगा, जब स्ट्रिंग के वन एंड फॉर्म फिक्स करते हैं और स्ट्रिंग को क्या करें, नोट कराते हैं लीनियर फंक्शंस। पहले नोट में लिख दो पॉइंट, देखो यहाँ लिखो इंपल्स ऑफ टेंशन फोर्स, इंपल्स ऑफ टेंशन फोर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंपल्स ऑफ टेंशन फोर्स परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग, परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग विल बी जीरो, हेंस Hence,
लीनियर मोमेंटम ऑफ बोथ द पार्टिकल इंडिविजुअली विल नॉट चेंज। समझ में आया ना? along perpendicular to the sea हमें इंडिविजुअली इनका क्या होगा? स्त्री के परपेंडिकुलर तो लीनियर मोमेंटम होगा, वो क्या होगा? चेंज नहीं। ठीक है, तो इसलिए इधर रेस्ट में है, इधर रेस्ट में ही रहेगा। और ये क्या है? ये मूव कर जाएगा यहाँ से, तुम कितने एंगुलर वेलोसिटी से मूव करेगा ये कैलकुलेट कर सकते हो, बता सकते हो? ये बताया था, याद आया क्या? शायद सर्कुलर मोशन पढ़ा होगा तो बताया था। क्या बताया था? एक ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट यहाँ है, बी ये बी है, ये इधर क्या है, वी वन वेलोसिटी से थीटा वन एंगल है, और ये वी वी वेलोसिटी से ये एंगल क्या है, थीटा टू है। इनके बीच कुछ लेंथ दिया हुआ है, फिक्स लेंथ है, स्ट्रिंग है, ठीक है, रॉड है। तो मैं बोलूँ कि इसका इसके रिस्पेक्ट में एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, उसको कैसे कैलकुलेट करें, बताया था। हाँ, फिक्स कैसे रखेंगे बताओ? पहले तो स्ट्रिंग टाइट है, हमेशा याद रखना है रॉड टाइट है, इसके जितने भी पार्टिकल होंगे सबका स्ट्रिंग के अलोंग या रॉड के अलोंग वेलोसिटी जो होगा वो क्या होगा? इक्वल होगा। अगर भाई स्ट्रिंग क्या होगा? टाइट नहीं, रिजिड बॉडी का डेफिनेशन ही है कि उनका उनके बीच जो होना चाहिए दो कंसेक्यूटिव पार्टिकल है, कोई पार्टिकल हो उनके बीच हमेशा सेपरेशन क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, तभी हम उनको क्या बोलेंगे? रिजिड बॉडी। ये रॉड क्या है? रिजिड ही है ना, फिक्स रॉड है। तो इनके इनके जितने भी पार्टिकल्स हैं सबका जो रॉड के अलोंग वेलोसिटी होगा वो ऑलवेज क्या होगा? कांस्टेंट होगा, इनिशियल होगा। तो पहले तो हम ये लिख सकते हैं कि इसका इसके अलोंग कंपोनेंट और बी टू का इसके ए बी के अलोंग कंपोनेंट होगा वो क्या होगा? सेम। और दूसरा एक क्या होगा? परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा। तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट का मतलब बताया था कि रिलेटिव वेलोसिटी के बीच जो जीरो कंपोनेंट होगा ये परपेंडिकुलर हो गया, गिवन परपेंडिकुलर, इसी क्या होगा? जी टू परपेंडिकुलर। इसकी वजह से क्या होगा? इसके बाउंड क्या होगा? ये रोटेट। समझ में आया? तो जब मुझे क्या करना है, डी का ए के बाउंड एंगल वेलोसिटी लिखना है, जिसे हम बोलेंगे ओमेगा बी ए इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? देखो जी टू परपेंडिकुलर माइनस या जी टू परपेंडिकुलर माइनस गिवन माइनस ए, ठीक है, अरे परपेंडिकुलर कंपोनेंट तो वाला है यार, वीरेट साइन थीटा, वीरेट साइन थीटा अपॉन 2l, अच्छा आ गया। चलो उसकी जरूरत है ले लीजिए तुम लोग। उसके बाद देखो देखो टेंशन के उसके बाद क्या लिखना है, देखो देखो इंपल्स ऑफ टेंशन अलोंग दैट स्ट्रिंग विल नॉट बी जीरो, hence linear momentum of m1 and m2 along a stream will change, but their total linear momentum will always remain constant। सही है क्या? समझ में आया ना? तो total linear momentum क्या होगा बताओ? Before, just before string, tight linear momentum क्या होगा string के अलावा बताना थोड़ा सा? देखो तो M1 V not cos theta होगा क्या? ray होगा ना string के अलावा। Just after string tight क्या हो जाएगा? देखो तो M1 V1 plus M2 V2, I mean V2 नहीं, V1 ही होगा। यहाँ से हम V1 लिख सकते हैं,
ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से भी आंसर आ जाएगा। उसके बाद देखो एक सिंपल क्वेश्चन देखो, ये बता रहा हूँ कि ब्लैंक है जिसका मास क्या दिया हुआ कैपिटल है, ठीक है, ब्लैंक हो करेगा ऐसे नहीं। इधर से हमने क्या किया कि मान लो कि यूनिट है जिसका मास क्या है स्मॉल एन है, इसको यूनिट करने से किसी क्या फायर करते हैं, समझ में आया। तो ये क्या होगा, इसके अंदर क्या होगा, पेनेट्रेट करेगा, इसका इतना लेंथ है कि बुलेट इससे बाहर नहीं आ रहा है, ठीक है। ये क्या होगा, देखो ध्यान से, ये क्या होगा, इसके अंदर जाएगा, इससे इंपल्सिव फोर्स रहेगा, आई मीन रेसिस्टिव फोर्स रहेगा, इसका वेलोसिटी क्या होगा, इंक्रीज होगा, एट द सेम टाइम इसका वेलोसिटी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, इंक्रीज होगा, इसका डिक्रीज हो रहा है। एक ऐसा सिचुएशन आएगा जब क्या हो जाएगा, दोनों का वेलोसिटी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, दोनों ये सेम वेलोसिटी से क्या करेंगे, मूव करेंगे। तो आपको क्या करना है, कॉमन वेलोसिटी कितना होगा उसको बताना है, और उसको भी हम दो मेथड सॉल्व करेंगे। एक कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हमको दिख रहा है तो डायरेक्टली बता सकते हो, लेकिन हम इंपल्स लीनियर मोमेंटम थ्योरम पढ़ रहे हैं तो उसको भी यूज करेंगे। इसी पे बेस्ड है अभी बैलिस्टिक पेंडुलम पढ़ेंगे जो इसके बाद, तो तुम लोग बताओ इसको इसका वेलोसिटी क्या होगा, समझ में आया क्वेश्चन, समझ में आया क्या, जल्दी बताना तुम लोग। क्या होगा आंसर बताओ जल्दी, एक स्टेप में आंसर तो दिख रहा है, बताओ कॉमन वेलोसिटी क्या होगा, m यूनिट अपॉन m प्लस m, यही होगा ना। ये तुम लोग कौन से मेथड यूज किए, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर, ये समझ में आया ना कि हमने क्यों किया, क्यों, अरे इसके अंदर जा रहा है इससे जितना फोर्स लग रहा है उससे भी क्या होगा उतना ही फोर्स लगेगा। यदि दोनों को मैं सिस्टम मान रहा हूं तो इंटरनल फोर्स का इंटरनल फोर्स क्या होता है कैंसिल हो जाएगा, इसलिए लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन ऑफ यूज कर सकते हैं, समझ में आया है बात। लेकिन दूसरा मेथड क्या है, इंपल्स, इंपल्स लीनियर मोमेंटम कैसे लिखोगे, इसपे इंपल्स क्या लिखोगे, ये जस्ट एक पहले का सिचुएशन है, बाद में क्या होगा देखो ध्यान से, बाद में तो मैं एक बुलेट पे यहाँ नहीं दिखा रहा, बाद में क्या हो जाएगा, इसका मास यदि दोनों का कंसिडर कर लेंगे एन प्लस क्या होगा स्मॉल एन, ठीक है, तो एक कॉमन वेलोसिटी से क्या होगा मूव कर लेंगे कैपिटल एस, समझ में आया ना, बाद क्या होगा इसके अंदर जाएगा पेनेट्रेट करेगा, पेनेट्रेट जैसे ही दोनों का सेम वेलोसिटी होगा उसके बाद फर्दर पेनेट्रेशन क्या हो जाएगा स्टॉप हो जाएगा और दोनों साथ में मूव कर जाएंगे। जैसे मैंने ये बताया था, दोनों साथ पढ़े तो नहीं हो ना इसलिए दिक्कत हो रहा है, मैंने ये बताया था एक ब्लॉक यहाँ दिया हुआ है, ये स्क्रीन है, ये दूसरा ब्लॉक है, इसका मास m1 है, इसका मास क्या है ना। अब मैंने ये बोला कि इसको हमने क्या किया, गिवन वेलोसिटी दिया ना, इसको हमने कुछ वेलोसिटी नहीं दिया, इसको हमने गिवन वेलोसिटी दिया। मैं बोलूं कि इसमें मैक्सिमम टॉर्शन कितना होगा, सॉरी एलोंगेशन कितना होगा, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, अभी यहाँ इम्पल्स नहीं, क्योंकि मैंने क्या बताया स्क्रीन फोर्स इम्पल्सिव नहीं, ठीक है। अब देखो ये क्या होगा, अब जैसे ही क्या होगा ये थोड़ा जाएगा, इसमें क्या होगा फोर्स डेवलप हो जाएगा, डेवलप होगा ना, देखो इसमें फोर्स किधर रहेगा, एफ लग रहा है इक्वल टू के एक्स होगा, ठीक है, ये फोर्स इसको पुल कर रहा है पीछे, इसका वेलोसिटी क्या होगा,
डिग्री होगा, एट द सेम टाइम इस पे फोर्स अप्लाई करेगा, इसकी वेलोसिटी को क्या करेगा, इंक्रीज कराएगा। इसका मतलब से डिग्री जो रहा है, इसका इंक्रीज हो रहा है, डिग्री जो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। एक ऐसा सिचुएशन आएगा जब क्या हो जाएगा, दोनों का वेलोसिटी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, तो उसके आगे के कुछ स्प्रिंग फोर्स एक्स्ट्रा लगेगा या नहीं लगेगा, है ना। उसके बाद तो क्या हो जाएगा, कॉमन वेलोसिटी क्या होगा। यहाँ भी आपसे कोई पूछे कॉमन वेलोसिटी कितना होगा, तब यदि दोनों को सिस्टम मान लें तो हम क्या यूज कर सकते हैं, या कंडेंसेशन ऑफ लीनियर समझ में आया। तो आप यहाँ से आसानी से बता सकते हो कि इनिशियल लीनियर मोमेंट का कितना होगा m1 a1, फाइनल लीनियर मोमेंट का क्या होगा m1 plus m2 into v, वेलोसिटी वापस चल जाएगा, ठीक है। और जितना एनर्जी लॉस होगा काइनेटिक एनर्जी, उतना किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में। यदि मैं इसको इनवर्स लीनियर मोमेंटम थ्योरम लिखना है, फॉर्म क्या है एंड स्मॉल m, तो क्या लिखेंगे बताओ। इसके लिए इनिशियल लीनियर मोमेंटम, फाइनल लीनियर मोमेंटम क्या होगा बताना, एंड स्मॉल m इनटू कैपिटल v ही होगा, ठीक है। इनिशियल लीनियर मोमेंटम क्या होगा, एंड स्मॉल m इनटू क्या हो जाएगा, v। और इनवर्स प्लस ले j, j का वैल्यू प्लस ले या माइनस, माइनस लेना है क्यों, समझ में आता है। जैसे आपको जाएगा तो इसको कौन सी वाला लग रहा है, इधर लग रहा है ना, तो यहाँ क्या लिखेंगे, माइनस। एक इक्वेशन हो गया। अब इससे क्लाइंट पे भी हम क्या करें, इंपल्स लीनियर मोमेंटम थ्योरम यूज करें। इसका इनिशियल लीनियर मोमेंटम जीरो है, फाइनल लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा, कैपिटल एम इनटू ई। और इसके देखो न्यूटन थर्ड लॉ के अनुसार यदि इंपल्सिव फोर्स इसको इधर लग रहा है, इसपे किधर लगेगा, आगे की तरफ लगेगा ना। इसमें जो इंपल्स लग रहा है, इंपल्सिव फोर्स वेलोसिटी के डायरेक्शन में लग रहा है, इसलिए हम यहाँ क्या लिखेंगे, जीरो प्लस क्या लिखेंगे, जीरो। अब दोनों को जब ऐड करोगे, ये कैंसिल हो गया, ठीक है, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से देखो v इज इक्वल टू क्या होगा, v m v n अपॉन क्या होगा, स्मॉल m प्लस क्या हो जाएगा। जब आपको v मालूम चल गया तो आप यहाँ से j निकाल सकते हो, क्या समझ में आया ना, जल्दी बता रहा जी क्या होगा, जी भी कैलकुलेट करो। एक और क्वेश्चन है, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास क्या है, यहाँ है, यहाँ एक है गेट रखा हुआ है ऐसे इस टाइप का, इसका भी मास क्या है, ठीक है। अभी तो दोनों का मास सेम है, क्या होगा इक्विलिब्रियम में होगा, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। एक मान लो कि यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है इसका भी मास क्या है, स्मॉल है, वो मीनर डेंसिटी से क्या होगा, इस पे कोलाइड हुआ, इसके साथ क्या हुआ, स्टील हो गया, चिपक गया, समझ में आया। तो जस्ट आफ्टर कोलिजन अभी ये क्या होगा, देखो अगेन यहाँ पे सोचोगे इंपल्स में जैसे ही क्या होगा, एक जैसे प्लैंक मान लो इसको, ये जब इसके अंदर जाएगा तो इस एम पे क्या होगा, इंपल्सिव फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ, समझ में आया। और इस पे किधर लगेगा, नीचे नीचे की तरफ लगेगा। अगेन इसका वेलोसिटी क्या होगा, कम होगा, इसका वेलोसिटी क्या होगा, बढ़ेगा। जब कॉमन वेलोसिटी हो जाएगा उसके बाद क्या होंगे, साथ में मूव करने लगेंगे, समझ में आया क्या। यहाँ भी आपको बताना है कि फाइनल वेलोसिटी क्या होगा तीनों ऑब्जेक्ट का, आपको बताना है कैसे बताओगे, दोनों मेथड से बताओ। तो मैं
मैंने बताया था कि ग्रेविटेशन जो होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, नॉन इंपल्सिव नेचर का होता है ना। तो जब भी आप इंपल्स लेते हैं तो वहां ग्रेविटेशनल फोर्स को हम कंसीडर नहीं करेंगे। इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन, इसमें कितने क्वेश्चंस दिए हुए हैं। क्वेश्चन समझ में आने, इससे क्या होगा, कोलाइड होगा या गिरेगा, और क्या होगा, इसके साथ चिपक जा रहा है, और दोनों क्या होंगे, साथ सेम वेलोसिटी से मूव करेंगे। तो तुमको कॉमन वेलोसिटी क्या करना है, कैलकुलेट करना है, ठीक है। दोनों मेथड से सॉल्व करके बताओ मुझे, दोनों मेथड से। यहाँ भी इंपल्सिव फोर्स इतना ज्यादा होता है कि उसके रिस्पेक्ट में ग्रेविटेशनल फोर्स को हम क्या करते हैं, निगलेक्ट करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम यूज करके एक स्टेप में आ गए। लेकिन बाद में बताऊंगा कि देखो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कैसे यूज करें। सही है, अरे कोई डाउट नहीं है ना। यहाँ से तुम से मैंने तीन क्वेश्चन पूछ लिए,
एक टेंशन का इंपल्स भी कैलकुलेट हो जाएगा, नॉर्मल का इंपल्स कैलकुलेट हो जाएगा, और वेलोसिटी क्या होगा वो भी कैलकुलेट हो जाएगा। और इसके बाद आप डायरेक्ट लिखेंगे कि देखो यहाँ इससे फोर्स क्या लग रहा है, टेंशन। इस पे टेंशन यदि इसको हम सिस्टम मान लें तो नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या हो जाएगा, ग्रेविटी को निगेट कर देगा, ठीक है। किसके रिस्पेक्ट में, इंपल्सिव फोर्स के रिस्पेक्ट में। तो नेट एक्सटर्नल फोर्स मैं क्या बोलूंगा, जीरो हो गया, तो लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा, कंजर्व हो जाएगा। तो यहां से भी तुम v/3 आंसर दिख रहा है। अरे जस्ट बिफोर क्या है, लीनियर मोमेंटम क्या है, v/0, और जस्ट आफ्टर क्या हो जाएगा यार, m+2m(v). तो v इक्वल टू क्या होगा, v/3। ऐसे भी कैलकुलेट कर लेता है, लिखो। लेकिन इससे फायदा क्या हुआ कि हमने तीन क्वेश्चन सॉल्व किया, क्या क्या, टेंशन का इंपल्स क्या होगा, नॉर्मल का इंपल्स क्या होगा, और कॉमन वेलोसिटी क्या होगा, ठीक है। तुम यहाँ भी कैलकुलेट कर सकते हो कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना होगा सिस्टम का, जल्दी बताना। अभी और मेरे को क्योंकि तुमको इंपल्स लिखने आ जाए, लिख लिए। अरे देखो ऐड कर दो तो सब कैंसिल हो जाएगा यहां से, देखो gravitational force is very small, therefore we can neglect gravitational force. देखो
if we consider three masses as a system, then tension force is internal force, and hence the linear momentum of the system will be conserved. ठीक है, टेंशन क्या हो जाएगा, इंटरनल फोर्स हो जाएगा, और लीनियर मोमेंटम सिस्टम का क्या हो जाएगा, कंजर्व हो जाएगा। यहाँ देखो इस क्वेश्चन में क्या है कि वेज है, ठीक है, वेज दिया हुआ है, वेज नहीं वेज है ना, क्या ट्रायंगल लॉ कंसीडर कर रहे हैं। यहाँ से एच हाइट से कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास क्या है, उसको क्या किया जाता है, ड्रॉप किया जाता है। ड्रॉप करने के बाद क्या होगा, उस वेज से क्या होगा, कोलाइड होगा। और एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि कोलाइड होने के बाद क्या है, जो मेन है वो किधर मूव कर रहा है, होरिजेंटली मूव कर रहा है, किधर मूव कर रहा है, होरिजेंटली, ठीक है, इधर इधर एक बी वेलोसिटी से एक वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो तुमसे क्या क्या पूछा गया है कैलकुलेट करने के लिए, देखो देखो एन ऑब्जेक्ट का मास स्मॉल एम, देखो एन ऑब्जेक्ट का मास स्मॉल एम, is released from height h as shown in the figure. Dekho, if after collision with the waves small m horizontally, then find velocity of m just after collision. ये surface क्या है, इसको दिया हुआ है, ठीक है, नहीं तो फिर फ्रिक्शन का भी थोड़ा सा कंसीडर करना पड़ेगा। उसके बाद देखो इंपल्स ऑन एम ड्यू टू वेज, इंपल्स ऑन एम ड्यू टू वेज और थर्ड लिखना लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। लॉस ये क्या होगा, क्या क्या कैलकुलेट करना है, इसका वेलोसिटी क्या होगा, उसके बाद क्या कैलकुलेट करना है, इंपल्स अप्रोच से इंपल्सिव फोर्स लगेगा, ठीक है, तो इंपल्स कितना होगा वो कैलकुलेट करना है, और काइनेटिक एनर्जी में लॉस कितना होगा वो कैलकुलेट करना है। किसके देखो ये तो फिक्स है, बाद में इसको होमवर्क भी करा सकते हैं, लेकिन ज्यादा टफ होगा, अभी हम ध्यान नहीं दे रहे, रेस्ट में है, हमने ये मान लिया। यहाँ से जब रिलीज करेंगे तो कोलाइड होगा, कोलाइड होने के बाद क्या होगा, हॉरिजॉन्टली मूव करेगा, तो कुछ एनर्जी इसका लॉस होगा, कितना एनर्जी लॉस होगा वो आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। और वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करनी है बताओ, जस्ट बिफोर कोलिजन वेलोसिटी क्या होगा, फिर दिख रहा है अंडर रूट, अंडर टू जी एच होगा ना, इसमें डाउट नहीं है तुम लोगों को, जस्ट आफ्टर भी कैलकुलेट करना है, हम कैसे सोचेंगे बताओ, अब देखो तो नॉर्मल फोर्स किधर लगेगा बताओ, क्या मुझे नॉर्मल फोर्स किधर लगेगा, अरे ऐसे ही लगेगा ना यार, यहाँ ऐसे कंसीडर कर लो एक्स एक्सिस मान लो, और क्या होगा वाई एक्सिस, क्या नहीं मान लो चलेगा, नॉर्मल ऐसे ही लगेगा ना, ठीक है, कोई डाउट नहीं है ना इसमें, अब तुम बताओ इसके अलावा कोई फोर्स लग रहा है क्या, लग रहा है क्या,
आपको बोलोगे सर ग्रेविटी लगेगा लेकिन इंपल्सिव फोर्स की रिस्पेक्ट में बहुत कम होगा, इसलिए हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे। तो इसके अलॉन्ग कुछ फोर्स लग रहा है क्या? नहीं लग रहा है ना। इसका मतलब क्या है? इसके अलॉन्ग मैंने बताया था कि जिसके अलॉन्ग क्या होगा, फोर्स नहीं लग रहा हो उसके अलॉन्ग क्या होगा, इंडिविजुअल पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व होगा। अरे देखो तो इसके अलॉन्ग इस ऑब्जेक्ट का एम का जितना पहले लीनियर मोमेंटम था उतना ही क्या होगा बाद में लीनियर। सही है क्या? क्यों? क्योंकि नॉर्मल फोर्स इधर लग रहा है यार, इधर लग रहा है। और आप नेट इंपल्स देखोगे तो किधर लाएगा? इससे इधर लाएगा, इधर लाएगा ना, इधर फोर्स नेट लाएगा, उधर इंपल्स लाएगा ना। तो मैं आपको पूछूं कि नेट इंपल्स किधर लाएगा? इधर लाएगा। समझ में आया ना? यदि मैं इसको जे मान लूं, इसके अलावा क्या हो जाएगा? जे एक्स या जे कॉस थीटा। समझ में आया ना? जे एक्स। और इधर क्या हो जाएगा? जे साइन। समझ में आया ना? यदि ये थीटा हो जो वेव का मोमेंट है, तो हम क्या करेंगे इसके अलावा? क्या करेंगे कंजर्वेशन? अब क्या करेंगे हम? लीनियर मोमेंटम यूज करेंगे। जस्ट आपको पोलिटर, यदि मैंने इसका वेलोसिटी वी माना है तो देखो ये थीटा है तो आई थिंक ये कितना हो जाएगा? देखो ये थीटा, ये थीटा, ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा, ये भी क्या हो जाएगा? सही है। समझ में आया? ये 90 माइनस थीटा है तो इसके अलॉन्ग कंपोनेंट क्या हो जाएगा? देखो तो वी साइन थीटा हो जाएगा। और जस्ट बिफोर स्ट्राइक ये थीटा है, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? ये 90 माइनस क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। हमने गलत लिखा क्या? ये थीटा, अरे सॉरी ये गलत थी, वही मैं बोल रहा हूँ इधर, ये थीटा होगा तो यहाँ बॉस थीटा रहेगा। ठीक है, ये 90 माइनस थीटा है, थीटा ठीक है। इधर इसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा बताना? वी नट साइन थीटा होगा क्या? इसके अलॉन्ग समझ में आया? तो इसके अलॉन्ग हम क्या कर सकते हैं? ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए क्या? तो पहले लिख लेना उसके बाद लिखना। ठीक है, यहाँ आप लिख सकते हैं केवल क्या है? वी इसके अलॉन्ग। क्या याद रखना, अभी मैं बताऊँ इसको क्या बोलते हैं? दिस इज लाइन ऑफ इम्पैक्ट, जिधर नॉर्मल फोर्स लग रहा है। नॉर्मल लाइन ऑफ इम्पैक्ट के पर्पेंडिकुलर जो कंपोनेंट होता है इंडिविजुअल पार्टिकल का, वो अलग क्या होगा? अनचेंज रहेगा। जब कोलिजन पड़ेंगे तो वहाँ ज्यादा अधिक बताओ कि लाइन ऑफ इंपैक्ट एक गलत होता है, बात बताऊंगा। केवल अभी याद रखो कि वेज के सरफेस के अलावा कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, इसलिए इसके अलावा इंडिविजुअल पार्टिकल का लिमिट मोमेंटम क्या होगा? कंजर्व होगा। ठीक है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं एम इनर्ट साइन थीटा इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं? एम डी cos theta, m sin कैंसिल हो जाएगा तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा? v net sin theta अपॉन क्या होगा? cos theta, यानी v net क्या हो जाएगा? cos theta। सही है। और v net का वैल्यू कितना होगा यार? अंडर रूट चाहिए छोटा ना, तो यहां वैल्यू रख दो, ये क्या हो जाएगा? अंडर रूट 2gh क्या हो जाएगा? अब इंपल्स लिख सकते हो क्या? कि नहीं लिख सकते हो? इंपल्स बताना जल्दी क्या होगा? नेट इंपल्स यदि कोई पूछे तो देखो कैसे लिखेंगे? जे इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? जे एक्स आर के प्लस क्या हो जाएगा? जे वाई। जे एक्स सही है क्या? इधर मैंने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस तो बताना जे एक्स कितना होगा, जे वाई कितना होगा, जल्दी बताओ, तो लीन करके बताओ। अरे जे एक्स का मतलब क्या हुआ? इधर कितना लेंगे मोमेंटम चेंज हुआ। जे वाई का मतलब क्या हुआ? इधर कितना लेंगे मोमेंटम चेंज हुआ, बताना जल्दी। मैं तुमको होमवर्क देता हूँ, इसको सॉल्व कर लेना जा करके आज, ताकि थोड़ा टाइम मिल जाए गलती से। देखो ये वेलोसिटी ऐसे हो गया, ये क्या होगा? अंडर रूट क्या होगा? टू जी एच। और इधर इसका वेलोसिटी क्या हो जा रहा है? हॉरिजॉन्टल कितना होगा? देखो वहाँ से अंडर रूट टू जी एच क्या हो रहा है? टेन डी हो रहा है ना। ठीक है, ये इनिशियल वेलोसिटी हुआ, फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा? अच्छा ऑब्जेक्ट
का फाइनल वेलोसिटी y एक्सिस के अलोंग क्या होगा? कौन बताएगा? y एक्सिस के अलोंग जस्ट आप पर कोलिजन की बात कर रहा हूं, जीरो होगा ना यार, समझ में आया ना? ओके कुछ क्या रहे हो वैसे, बताओ जल्दी। हां बोलो। अरे होरिजेंटल मूव कर रहा है ना यार, तो वर्टिकल इसका कंपोनेंट क्या हो गया? जीरो हो जाएगा ना। तो जे जे कितना होगा? और जे यहां से यदि मैं इसको जे मान लिया हूं, ये थीटा है, तो कितना हो जाएगा यार? 90 मान लेते जे एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? जे एक्स इज इक्वल टू जे sin थीटा। और जे एक्स कितना है बताना यहां से? n वी वीन क्या है? tan थीटा है क्या? इज इक्वल टू जे sin थीटा। यहां से तुमको जे मिल जाएगा यार, m डिनर टैन थीटा। अब और क्या होगा? दोनों तरफ को सब सॉल्व कर सकते हो। देखो ये समझ में आया क्या? अरे हमने इसी को जी मान लिया, नेट इंपल्स। और जेक्स कितना हो जाएगा? जी कॉस थीटा होगा ना। और जैसे इधर एफ है, इधर क्या हो जाएगा? एफ कॉस थीटा होगा ना। डाउट नहीं है ना? यहाँ हमने जी माना था, इधर जेक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? जी कॉस थीटा। और जेक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसके अलोंग कितना लिनियर मोमेंटम चेंज हुआ? इसका लिनियर मोमेंटम चेंज कितना होगा? एम इन टू वी, यही होगा ना। और टी का वैल्यू हमने मालूम है यहाँ से, अंडर रूट टू जी एस टेन थीटा। यहाँ वैल्यू कब तो तुमको फाइनल वेलोसिटी भी इसका मालूम चल गया, इनिशियल वेलोसिटी भी मालूम चल गया, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? पहले बताइए समझ में आया तुम लोगों को? जीवाई भी तुम यहाँ रख सकते हो, जेंस का वैल्यू जीवाई का वैल्यू यहाँ रख सकते हो, डायरेक्ट लिख सकते हो। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कितना आएगा बताना? अरे जी आ गया, तुम लोगों समझ में आ गए? इसमें कोई डाउट नहीं है ना? बाद में हम यहाँ ऐसे कर सकते हैं, इधर से आप तक ऊपर आए, इधर से रिवर डिनर डबल स्पीड से नहीं करें, और तब हम कोलियन होने के बाद ये वर्टिकल अप जा रहा है, तो सेम को वो कैलकुलेट करना है। जस्ट आपको कोलियन वेलोसिटी क्या होगा, इंपल्स क्या होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, समझ में आया ना? दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा और दोनों सॉल्व कर लोगे तो तुमको इंपल्स लिखने आ जाएगा। ये समझ में आ गया? ये कितना हो जाएगा? एम वी नट, वी नट कितना है? अंडर रूट टू जी एच है ना। ये कितना हो जाएगा? यहाँ से वैल्यू रख दो, ये साइन अपॉन कॉस हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? एम इनटू अंडर रूट टू जी एच सेक थीटा। ये होगा क्या? इंपल्स का नॉर्मल फोर्स मालूम चल गया है। काइनेटिक एनर्जी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या होगा? डेल्टा के ई इज इक्वल टू क्या होगा? 1 के ई एफ माइनस क्या हो जाएगा? के ई लॉस लिखा है क्या या चेंज लिखा है? लॉस, तो लॉस जब भी पूछे तो इनिशियल माइनस क्या लिखना? फाइनल, नहीं तो सिंपल चेंज, क्योंकि लॉस ऑलरेडी हमने कंसीडर किया है। लॉस नेगेटिव जब आता है चेंज, तो उसका मतलब क्या होता है? लॉस होता है, समझ में आ रहा? तो ऑलरेडी हमने, यदि मैं यहाँ लॉस लिखूं क्या लिखूंगा? फाइनल, सॉरी इनिशियल माइनस फाइनल। और यदि चेंज लिखूं तो फाइनल, चेंज यदि नेगेटिव आता है तो हम क्या बोलते हैं? कि क्वांटिटी डिक्रीज होता है, ठीक है? जैसे हम ध्यान देते हैं, यहाँ मैं चेंज लिख रहा हूँ, के एम माइनस क्या हो जाएगा? के ई आई हाफ एम क्या हो जाएगा? वी स्क्वायर माइनस हाफ एम वी नट स्क्वायर। ये कितना है बता सकते हो ना? देखो तो हाफ एम वी नट स्क्वायर इंटू टेन स्क्वायर थीटा माइनस वन, यही होगा क्या? अरे वैल्यू रखो वहां से, तो डेल्टा के ई है। लॉस जब पूछा जाए तो हम यहाँ क्या करें? लॉस का मतलब समझ में आया ना? यहाँ ऐसे भी इसको तुम ये कैलकुलेट करोगे तो क्या होगा? यहाँ लिखेंगे
निश्चित कर लीजिए डेल्टा के ई इज इक्वल टू माइनस हाफ एम वी नॉट स्क्वायर इनटू वन माइनस क्या हो जाएगा टेन एस। अब लॉस को पूछे तो हम डायरेक्ट ये निगेटिव साइन का मतलब ही क्या होता है कि लॉस, ठीक है। तो यदि लॉस नहीं था मुझे तो हम क्या लिखेंगे लॉस इक्वल टू डायरेक्ट हाफ एम वी नॉट स्क्वायर इनटू क्या होगा वन माइनस टेन एस। माइनस साइन का मतलब क्या हुआ कि एनर्जी उतना क्या हो गया लॉस। दूसरा क्वेश्चन देखो एंगल क्या दिया हुआ है क्या दिया हुआ है समास के हैं मेरे लक्ष्य क्या है बिना ट्रांसिशन मूव करने लगा, ठीक है। एंड जस्ट आफ्टर कोलिजन ये किधर मूव करने लगा और बी ट्रांसिशन मूव को ये क्या हुए ये क्वेश्चन समझ आया क्या। सेमी क्वेश्चन है मैंने क्या किया थोड़ा चेंज हमेशा याद रखना है नेट वो जिधर लगेगा उधर ही क्या होगा नेट इंपल्स होगा, ठीक है। देखो लॉ का मास एम इसको भी मान लेते हैं। देखो लॉ का मास एम यूनिक होरिजेंटली ए लॉ ऑफ मास स्मॉल एम लिखना ए लॉ ऑफ मास स्मॉल एम मैं थोड़ा सा इसको कॉम्प्लिकेट करता हूं और कॉमन देता हूं। अब मैं इसको फिक्स नहीं कर पा इसको बोलूंगा कि रिमूव कर, ठीक है। और इसको सॉल्व कर लेना मसाले से मैं दिया होगा मेन सलाम दे मैं दिया होगा ए लॉ ऑफ मास एंड मूविंग हॉरिजॉन्टली विद वेलोसिटी v नॉट कोलाइड विद फिक्स्ड वेट्स कोलाइड विद फिक्स्ड वेट्स एंड जस्ट आफ्टर कोलिजन स्टार्ट कमिंग वर्टिकली अप एज शोन इन द फिगर। समझ में आया ना जस्ट आफ्टर कोलिजन स्टार्ट कमिंग वर्टिकली अप एज शोन इन द फिगर। Then find क्या क्या find करना है तुम लोग बताओ अभी calculate किए थे भाई velocity just after collision net impulse on a small m और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तुम कैलकुलेट कर लोगे है ना आई होप सो कैलकुलेट हो दूसरा एक और ले लो तुम देखो इफ देखो इन प्रीवियस प्रॉब्लम ऐसे लिखो इन प्रीवियस प्रॉब्लम इफ रेस इज नॉट फिक्स्ड रेस इज नॉट फिक्स्ड देन फाइंड द वेलोसिटी ऑफ वेव्स and mass a small m just after the collision। समझ में आया क्या अभी हमने इसका क्या है अब तुम क्या करोगे अभी हम इस पे इंपल्स लिख रहे हैं इस पे भी इंपल्स लिख सकते हैं ना इंपल्स लिखे हम उधर फिर हम इस पे भी अप्लाई कर सकते हैं अरे
इधर थोड़ा समझ लो, इधर स्मॉल एम पे इंपल्स इधर लग रहा है, इधर लग रहा है थ्री, तो इसमें इधर लगेगा या इधर लगेगा ना, समझ में आया क्या? थोड़ा वैसे सोचो तो मालूम कर लेना आप सब आएगा, तो नहीं आएगा तो हम देखेंगे इसमें क्या क्या लिख लेते हैं। लिखो कंसीडर मास ऑफ द बेस क्या है, कैपिटल एम, एंड सरफेस ऑफ द बेस इज स्मूथ। जिसके पास बी एम शर्मा का बुक है ना, पेज नंबर मैं बोल देता हूँ, एक बार इसको रीड करना तुम लोग। देखो इंपल्स एंड कोलिजन चैप्टर दिया हुआ है, ठीक है, उसको कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 2.1 लिखो। पहले उससे पहले प्रॉब्लम दिया हुआ है, देखो मैं बता देता हूँ कौन कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व कर लेना। 2.8 के बाद एक और क्वेश्चन है 2.11 ठीक है, वो तुम मैं बता देता हूँ। और 2.1 में कितने क्वेश्चन दिए हुए हैं, 7 सात क्वेश्चन दिया हुआ है, सात आराम से ठंडे दिमाग से, मैं नहीं बोलूँगा 7 ही सॉल्व हो जाना चाहिए, लेकिन पाँच तो तुम आराम से एक स्पीड ड्रॉप कर देंगे सॉल्व कर दो तो आराम से 5 सॉल्व, ठीक है। और इसको ट्राई करना चाहिए था तुमको, ये तो आसान है लेकिन इसके बाद वाला जो भी मैंने बताया उसको सब कर लेना। और 13 को जो टेस्ट होगा उनका सिलेबस क्या रहेगा, सेंटर ऑफ मास, और ये भी आएगा कि हमसे कोर्स रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकता है। तो तुम लोग आज यदि सॉल्व करोगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, आई मीन और यदि कल परसों सॉल्व करोगे तो फिर तुम लोग मालूम है कितना परसेंट काम आएगा। Thank you.